वंदे मातरम दोस्तों, मेरा नाम सनी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अशोक लेलैंड दोस्त गाड़ी का ऑयल चेंज कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो ऑयल चेंज कैसे होता है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। हाँ तो दोस्तों, ऑयल चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें गाड़ी के नीचे चैम्बर के पास चलना पड़ेगा। इस चैम्बर के अंदर ये बोल्ट है, बोल्ट के अंदर पाना लगता है अपने 27 नंबर का। 27 नंबर के पाने से बोल्ट को खोलना पड़ेगा। खोलते ही एक नीचे परात या कुछ भी ऐसा सामान पात्र लगाना है कि उसमें ऑयल आ जाए, तो मैं आपको बोल्ट खोल के दिखाता हूँ। ये 27 का पाना लगाया अपन ने और ये बोल्ट कनेक्टर साइड की तरफ खुलेगा। ये नीचे ऑयल को स्टोर करने के लिए एक पात्र लगा दिया है। ऑयल के ऐसे उंगली से इसके बोल्ट के दबाव लगा के फिर खोलना है, जैसे खुलता है तुरंत साइड में करने की, हाथ ज़्यादा खराब नहीं है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में इसका ऑयल फिल्टर खोलना है। ऑयल फिल्टर कहाँ आता है, वो कैसा आता है, वो आज मैं आपको बताता हूँ। ये इसका ऑयल फिल्टर है, जहाँ पास में ऑयल मीटर का स्विच लग रहा है, ये ऑयल फिल्टर है। इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको खोलने के लिए फिल्टर को खोलने के लिए एक फिल्टर पाना चाहिए होता है कुछ इस प्रकार, जिसमें बेल्ट लगी हो। और इससे ये फायदा है कि इसमें किसी भी गाड़ी का ऑयल फिल्टर खोल सकते हैं अपन। तो इसको कैसे खोलते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। ये फिल्टर पाने लिया, इस फिल्टर पाने को इसमें ऐसे बैठाना है। फिर ये फिल्टर पाना काम कैसे करता है, एक हाथ यहाँ लगाना है और इसको ऐसे पूरा टाइट करना है। पूरा टाइट होने के बाद में इसको ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ खुलेगा, इसको ऐसे ऊपर की तरफ घुमाना है। ऐसे लूज होने के बाद में फिर इसको हाथ से खोल के उस साइड में रख देना है। ये फिल्टर खुल के अपने पास सामने है। अब फिल्टर कैसे लगाते हैं और कितना ऑयल डलता है वो मैं आपको भी कुछ ही देर में बताता हूँ। दोस्तों ये है इसका डीजल फिल्टर, इसको कैसे खोलते हैं इसके बारे में भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसको भी खोलने के लिए वही बेल्ट वाला फिल्टर पाना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे जो पिन लगी हुई है, इस पिन को यहाँ से ऊपर से लॉक को उठाना है और नीचे खींचना है। ये इसकी पिन साइड में कर देते हैं। उसके बाद में ये बेल्ट पाना लगाना है यहाँ नीचे वाले हिस्से पे, इसको टाइट करना है ऐसे। और टाइट होने के बाद में इसको ऐसे नीचे की तरफ भी रखना है, ज़्यादा चूड़ियों पे नहीं लगे, जितना नीचे हो सके उतना नीचे रखें कि चूड़ियाँ टाइट नहीं हो। फिर उसके बाद में इसको खोलना है, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि ये टूट ना जाए। ये दो बैरिंग और दो सील आएंगे, इसको ऐसे लूज कर लेंगे। और एक किलो कपड़ा,
वही नीचे इसमें से जो डीजल निकलेगा उसको स्टोर करने के लिए एक पात्र रखना है। फिर इसको पूरा खोल देना है। ये परात मैंने पहले कहा था कि परात को अच्छे से रखना है नीचे की तरफ। ये इसका फिल्टर है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, अब इसमें देखो ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसमें ब्लैक ब्लैक डीजल निकल रहा है। दूसरा कैसे डालते हैं वो अभी मैं बताता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, ये जो इसमें फिल्टर डाल रहे हैं वो बोस्का डाल रहे हैं, और ये देख लो कितने का है क्या है। इस पर 351 रुपये MRP है। ये इसके फिल्टर नंबर है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डालने के लिए, जो इसमें ये रिंग लगी हुई है इस रिंग को बाहर निकालना है, और इसमें जो रिंग है फिल्टर में नए में उस रिंग को लगाना है। और फिर ये फिल्टर लगाना है, फिल्टर अंदर पुश करके दबाना है, एक छिद्र आता है उसके अंदर ये आसानी से बैठ जाता है, थोड़ा तेज पुश करोगे तो ये दब जाएगा। उसके बाद में जो अपन ने ये कैप खोली थी नीचे वाली सेंसर वाली, इसको साफ करके और इसको कस देना है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो इसके अंदर अपना पुराना मॉडल मैक्सिमो गाड़ी आती थी उसी का डीजल फिल्टर लगता है इसमें। फिर इसको बैल दे के पानी से ही वापस टाइट करना है। क्या इसको रोकना पड़ता है तभी तो मैं ये हाथ लगा रखा हूँ, नहीं तो क्या है ये नीचे की तरफ बैल ट्रा पटी आ जाती है। ये अच्छे से टाइट हो गया। उसके बाद में पिन लगानी है, और एयर कैसे निकलता है, एयर इस प्रकार निकलता है, इसकी जो चाबी स्विच है उसको आप 3 बार 1-1 मिनट के लिए ऑन करके छोड़ दो, इसका डीजल का एयर खुद ही निकल जाएगा। मित्रों उसके बाद क्या करना है, ये है फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये फिट गार्ड कंपनी का है। ये इसके नंबर हैं LF 16 23 5। ये फिल्टर इसमें लगाना है, इस पे जो पन्नी आती है उसको पहले हटाना है पन्नी को। पन्नी को हटाने के बाद में अगर नया ऑयल हो तो नया ऑयल, जब पुराना ऑयल भी चल जाएगा, इसकी रिंग पे ऑयल लगाना है पहले। ऑयल लगाने के बाद में फिर इसको फिट करना है, वही तरीका है इसका भी। पहले इसको हो सके उतना हाथ से घुमा के फिट कर दो। और फिर हल्का सा राउंड पाने से घुमा के लगाना है। ये फुल टाइट हो गया है, अपन ने इसका 1.5 राउंड लगभग पानी से घुमा दिया। ये फिल्टर भी कस चुका है, वही इसको 27 के पानी से वापस टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया, ये नीचे का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इसमें ऑयल डालना है, ऑयल डलता है इसके अंदर 5 लीटर, वो भी मैं भी आपको डाल के दिखाता हूँ। दोस्त लीलैंड के अंदर ऑयल डालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो कंडक्टर साइड की सीट है उसमें यहाँ एक ये लॉक आता है, इसको ऊपर उठाओगे तो ये सीट
डाउन हो जाएगी। उसके बाद में इसमें यहाँ आगे की तरफ लॉक आते हैं ऐसे वाले, इनको हटाना पड़ेगा, इसके पहले सेट हुए हैं। फिर इसको ऐसे इसको ऊपर उठाना है, ले पकड़ी पीटर से दिखा, सीट के अंदर ये लॉक लगाना है, तो इसके बाद में ये ऊपर हो जाएगा। फिर ये दोस्त का इंजन है, इसमें कूलेंट है, ऑयल डालते समय चेक कर लें कि इसमें कूलेंट ये जो यहाँ निशान आता है वहाँ तक होना चाहिए, तो इसमें वहाँ तक है। और उसके आगे ऑयल डलेगा इस कैप में से, ये कैप है, इसको खोल लेना है। ये खुल गया, उसके बाद में ऑयल ऊपर लगानी है और फिर इसमें 5 लीटर ऑयल डालना है। और ये इसका गेज है, यहाँ से अपन चेक कर लेंगे। इस प्रकार से इसमें ऑयल डालोगे और मैंने बताया चाबी को 3 बार ऑन करोगे तो इसकी डीजल का एयर निकल जाएगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और शेयर कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।